छोटे से डिब्बे में छोटे छोटे प्राइम्स हैं, जब इनको फ्राई किया जाएगा ना तो ये अपने साइज को बढ़ा लेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। अभी देखना कैसे चटर पटर होते हैं ये। और ये बन रही है मसाला चाय, ये देखो, वाह वाह, कलर बता रहा है कि पीने में बंदा ही कलरफुल हो जाएगा। कैसे हंस रहे अनु? नहीं करूं। भिंडी बनाने के लिए ये है भिंडी, जिसको बोलते हैं लेडी फिंगर, बहुत टेस्टी बनेगी। फ्राई प्याज ऑनियन जो फ्राइड हो रहा है उसमें डाल देंगे। ये देखिए बढ़िया से हो रही फ्राई भिंडी, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। और ये मसाला धनिया हल्दी, ये पड़ गई हल्दी, ये पड़ गई धनिया, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच रेड चिल्ली, और अभी डाल देंगे नमक। पहले थोड़ा मसाला मिला देते हैं, उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट, ये जाएगा नमक सॉल्ट, थोड़ा सा मिला देंगे इसको। विशेष बात इसमें बन रही है दाल, इस पर ढक दिया, अभी स्टीम में पकेगी। और ये रखा दाल फ्राई करने के लिए सैलेड। हमने एक नई डिश बनाई है, कॉर्नफ्लेक्स दूध में विद नमकीन सेव कॉर्न डालता है, भुजिया आलू भुजिया भी खाने को। भाई खाने का स्टाइल भी देख लीजिए, ये दिखाओ अनु कैसा है, अच्छा है, वाह। फिर ये मठा के आलू, जिसको देसी बोलते हैं मठा के आलू बनाने के लिए ये पोटैटो किंग ऑफ वेजिटेबल को मैश किया जा रहा है। मैश करने के बाद इसकी प्रॉपर रेसिपी बनेगी दही के साथ, इसको बोलेंगे मठा के आलू। तो अभी आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। स्वाद अनुसार थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये है लस्सी, बढ़िया लस्सी अमूल छाछ, क्योंकि वैसे ये देखो इसके 4 पैकेट यूज किए जाएंगे, इसमें 4 पैकेट्स ऑफ लस्सी।
ऐसे वन बाई वन चार पैकेट इसमें डाले जाएंगे। भरपूर लस्सी हो चुकी है यहाँ पे। ऑयल है उसमें छौका लगाने के लिए। अभी जीरा डाला गया, हरी मिर्ची डाली गई, ये हल्दी डाली गई, टर्मरिक, रेड चिली, ये इसमें छोड़ के फ्राई किया जाएगा। इसको अच्छे से दो मिनट तक फ्राई करेंगे इस तरह से। अब इसमें आलू छोड़ दिए जाएंगे। अब इस तरह से पानी डाल दिया गया थोड़ा सा, इसमें लस्सी छोड़ दी जाएगी, सारी की सारी चार पैकेट लस्सी इसमें चली जाएगी। और इस तरीके से इसको राउंड एंड राउंड थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे, सो दैट मसाला और आलू, दही, सारी चीज़ें, दही इट मीन्स लस्सी, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और सारे गुण एक साथ इस पतीले के अंदर एक साथ मिल जाएं और स्वाद की एक भरपूर श्रृंखला बनी रहे। ये देखो, अब इसको पकने के लिए कितनी देर रखना है? कम से कम 20 मिनट इसको ऐसे ही धीमी आंच में पकने के लिए रख देना। कढ़ी खाई होगी आप लोगों ने, और भी बहुत सारी चीज़ें लस्सी खाएंगे। मटा आलू देसी नॉर्थ इंडियन बहुत बढ़िया आती है, बनने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अनोखा होगा। अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे चलाने के बाद। चलाया इसलिए जाता है एक मिनट के लिए, सो दैट नमक वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल जाए। तो फिर ये मटा के आलू, लस्सी के आलू, दही के आलू, कुछ भी बोलो, रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।